जय हिंद दोस्तों। एक छोटे से वायरस की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक छोटा सा वायरस अच्छे अच्छों को घर में कैद कर सकता है, फिर वो चाहे भारत का आम नागरिक हो या भारत का प्रधानमंत्री। ऐसे में इस पैंडेमिक के बाद पहला जो विदेश दौरा था भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, वो था बांग्लादेश का। और वहाँ पर जाके उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए। ये जैसे कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं, ये एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी को एक की गिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए इसमें लिखा हुआ है 109 एम्बुलेंस, मतलब 109 एम्बुलेंस इंडिया ने बांग्लादेश को गिफ्ट किया। साथ ही साथ भारत ने बांग्लादेश को 12 लाख कोविड वैक्सीन भेंट की हैं। और सिर्फ बांग्लादेश को ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसको भारत ने मुफ्त में कोविड वैक्सीन दी हैं, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंब की भूमि के हैं, हमारे मन में कान्हा बसते हैं। बेशक हमारी जो सीमा है वो निर्धारित हो, पर हमारा प्यार और सेवा भाव ऐसा है कि पूरा विश्व हमारा दोस्त है। इसलिए भी दुश्मन जब भी आँख उठाता है तो वो ये जानता है कि अगर भारत से लड़ने का मतलब है पूरे विश्व के साथ दुश्मनी लेना। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी सोच है, अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत देश महान है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अभी जो मोदी जी बांग्लादेश दौरे पर निकले थे तो उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स पे भी बात किया था, उस पर साइन किया था। तो वो क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, क्या एक्चुअल में इन एग्रीमेंट्स से भारत और बांग्लादेश का डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इससे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं BBIN प्रोजेक्ट की। BBIN बेसिकली चार देशों का समूह है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। इन चारों देशों ने आपस में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ताकि एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को आसान बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, भारत को 100 क्विंटल चावल नेपाल पहुंचाना है तो 100 क्विंटल वो अपने ट्रक में लोड कर लिया। लोड करने के बाद जैसे ही हम नेपाल बॉर्डर पे आते थे तो नेपाल बॉर्डर वाला क्या बोलता था कि देखिए जो जितना आपका सामान है ना, ये सारा का सारा हमारी गाड़ी में जाएगा, ये भारत के नंबर प्लेट से हम नेपाल जाने नहीं देंगे। अब भाई साहब एक अलग से मजदूर लेके वो 100 क्विंटल ऐसे ऐसे ढो ढो के पूरा लेके जा रहा है और फिर नेपाल की गाड़ी में उसको पहले लाद रहा है, एक एक करके सब लाद दिया उसमें। अब लादने के बाद जब नेपाली गाड़ी में वो सब लोड हो गया, तब नेपाल की गाड़ी से वो जा रहा है नेपाल में जहाँ भी ऐसा है, उसको पोखरा जाना है, काठमांडू जाना है, चाहे जहाँ मर्जी जाना है। तो ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग भी हो रही थी और क्योंकि इसमें मजदूरी अलग लग रही थी तो इसकी वजह से जो रेट है वो और बढ़ जा रहा था। अब भाई मजदूरी का पैसा, वो मजदूर भी 1000-2000 रुपये अपना जो भी लेगा तो वो अपना भी तो जोड़ के देगा, तो जहाँ हम 100 रुपये किलो चावल बेचा था वहाँ पे 110 रुपये किलो चावल बेचेंगे, तो चावल का रेट ही बढ़ जाता था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए BBIN प्रोजेक्ट बनाया गया। इन चार देशों का जो आपस में है कि इनके जो गाड़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो एक देश से दूसरे देश में बड़े आसानी जा सकते हैं। अब BBIN प्रोजेक्ट के थ्रू अब इंडिया से नेपाल में हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, बार बार वहाँ उतर के दूसरी गाड़ी में लादने जरूरत नहीं है। भारत नेपाल जा सकता है, नेपाल बांग्लादेश, भूटान, ऐसे आपस में एक दूसरे से बड़े आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बनाने के लिए बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव किया गया था, तो BBIN प्रोजेक्ट। अब ये जान लीजिए कि BBIN प्रोजेक्ट जो है ये पहली बार भारत की पहल नहीं थी 2015 में, उसके पहले SAARC समिट हुआ था तो भी भारत ने इनवाइट किया था पाकिस्तान तक को भी कि भाई आइए आप भी इसमें जुड़ जाइए ताकि हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को और अच्छी की जाए। तो पाकिस्तान तो मुकर गया, बोला नहीं 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 भारत से दोस्ती नहीं करेंगे। तो ये तो भैया पहले ही पीछे हो गया, बोला हम नहीं नहीं इसमें हम नहीं आएंगे। तो उसके बाद से BBIN प्रोजेक्ट अलग से बनाया गया इन चार देशों का। अब ये हो गया BBIN प्रोजेक्ट। साथ ही साथ भारत ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि म्यांमार से जो भी रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश में शरण लिए हैं उनको जल्द से जल्द वापस उनको म्यांमार उनकी मातृभूमि में रिस्टोर किया जाए और इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि उनको किसी भी तरह का जान का खतरा आगे आने वाले टाइम में ना हो। साथ ही साथ जो मिताली एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन है वो भी लॉन्च करने वाली है और भारत जो कि भारत से लेके बांग्लादेश के बीच में चलेगी, कहाँ से कहाँ तक, ढाका से लेके जलपाईगुड़ी तक। और ऐसा नहीं है ये पहली पैसेंजर ट्रेन है, इसके पहले मैत्री एक्सप्रेस और आपकी बंधन एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी हैं बांग्लादेश से इंडिया के बीच में। तो ये तो हैं आपकी ये सब चीज़ें। साथ ही साथ एक बड़ा विवाद है, वो है तीस्ता नदी का विवाद, जो कि एक बड़ी बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर जो 83 से चला आ रहा है, 1983 से अभी तक ये सुलझ नहीं पाया है तीस्ता नदी का विवाद। और मैंने इस पर एक अलग से एक अच्छे से वीडियो बना रखा है जिसमें आपको पूरी चीज़ की एक एक चीज़ फैक्ट्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि तीस्ता नदी का एक्चुअल में विवाद क्या है, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो तीसरा नदी का विवाद अभी तक सुलझ नहीं पाया। अब फटाफट बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो 5 एग्रीमेंट हुए हैं वो जल्द से जल्द हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलियंस एंड मिटिगेशन, मतलब एक दोनों जो देश हैं
वो आपस में जब भी आपदा आएगी तो आपदा से बचने के लिए, चाहे वो अर्थक्वेक हो, वॉल्केनो इरप्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, लैंडस्लाइड हो, कोई भी तरह की आपदा आती है तो कैसे उससे बचना है और कैसे उसमें तैयारी रखनी है, इन सब चीज़ों में एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है BNCC एंड INCC। देखिए BNCC और INCC क्या है, BNCC मतलब बांग्लादेश का नेशनल कैडेट कॉर्प्स और इंडिया का होता है इंडिया नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCC को अप्रोच पढ़ाएंगे, सैन्य भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण को आगे बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रेमेडियल मेजर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए शुरू से जो इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड है ना, वो इस तरह से आ रहा है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत तेज़ी से करता है, बहुत तेज़ी से बांग्लादेश में करता है, लेकिन बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया में बहुत कम कर पाता है। तो जो डिफरेंस आ रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इस डिफरेंस को कम से कम करना है ताकि बांग्लादेश भी अपनी सामान ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को बेच सके, उसकी भी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। चौथा नंबर है स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एट राजश्री कॉलेज फील्ड एंड सराउंडिंग एरियाज़। देखिए बांग्लादेश में एक राजश्री कॉलेज है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्रिकेट स्टेडियम्स हो, तो जो भी तरह का स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज़ देने की बात की जा रही है, और उसमें जो भी पैसा लगेगा स्टेडियम बनाने में या जो भी खर्चा है, वो भारत की सरकार उसमें उनका मदद करेगी। उसके बाद सप्लाई ऑफ ICT इक्विपमेंट, कोर्सवेयर एंड रेफरेंस बुक, ये सब प्रोवाइड करेगी भारत। मतलब टेक्निकल चीज़ें, जो भी टेक्निकल एडवांस चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी IT सेक्टर से रिलेटेड जो भी आपका कंप्यूटर्स हैं, नॉलेज हैं, या उसके रिगार्डिंग बुक्स हैं, वो जो भी चाहिए ना, वो सारा इंडिया प्रोवाइड करेगा। आप ही बताइए, अगर आपको स्पेस पे रिसर्च करना है और आपके पास किताब ही ना हो, तो कहाँ से स्पेस पर रिसर्च करिएगा, गोबर में ही ना करिएगा। तो वही तो बात है, तो मतलब स्पेस रिसर्च मतलब या कोई भी चीज़ की रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको एक अच्छी सी नॉलेज, उसका पूरा इक्विपमेंट स्पेस के ऊपर, मतलब पूरा हर चीज़ का टेक्निकल इक्विपमेंट जितने भी आपको चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, गूगल, इंटरनेट, PDF, ई-बुक्स, रेफरेंस बुक, लाइब्रेरी, जो भी आपको चाहिए वो सारा इंडिया प्रोवाइड करेगा, और टेक्निकली बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि इंडिया IT फील्ड में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है और स्पेस सेक्टर्स में भी बात कर रहा है बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी बांग्लादेश का अपना खुद का स्पेस रिसर्च नहीं है। जैसे इंडिया के पास इसरो है, तो बांग्लादेश के पास अभी खुद का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का इंडिया सपोर्ट आने वाले टाइम में करेगा, और उनका भी स्पेस बनाने में या साइंटिस्ट प्रोवाइड करने में या उनको सपोर्ट करने में इंडिया खुल के आगे सपोर्ट करेगा। तो डेफिनेटली एग्रीमेंट्स काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं दोनों देशों के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, और इससे दोनों देशों का जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।